आ गया शाहकार जिसका था इंतजार। फ्रेंड्स अलॉयरिंग भी मिल रहे हैं, सेल्फ स्टार्ट भी मिल रहा है। ओह सॉरी, मैं इंट्रोड्यूस करना भूल ही गया। तो फ्रेंड्स आज हम आए हैं उजैर भाई के पास एचएस ट्रेडर्स पर। जी उजैर भाई, क्या चीज़ें लेकर आए हैं आज? आज हम ये लेके आए हैं, वो क्या कहते हैं, जो चार पांच क्वालिटीज है ना उसको एक के अंदर ही रखे हैं, 70 के अंदर। 1-5 के स्टिकर है, 1-5 की इसमें सलफ है, जो होंडा 1-5 के अंदर आता है स्पेशल एडिशन के अंदर। उसके बाद अलायर एमबी 1-5 के डाले हुए हैं, मीटर भी इसमें जो है वो अच्छे वाला डाला हुआ है, क्वालिटी भी बेहतर है। मतलब बाकी बाइकों से सलफ स्टार्ट के लिहाज से सबसे बेहतरीन बाइकों में जो आपको पहले भी हमने कहा क्राउन आता है, तो उस लिहाज से क्राउन इस टाइम हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं पीके बाइक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये मॉडल उधर भी गलत नहीं होगा कि डायरेक्ट होंडा सी डी 70 की तो टक्कर भी दे रहा है, ठीक है, प्राइस के लिहाज से भी देखा जाए और अगर दूसरी क्वालिटी के लिहाज से भी देखा जाए, फीचर के लिहाज से देखा जाए, फीचर्स भी बिल्कुल ऐसे हैं। अच्छा, इसका एक पहले मॉडल एक आता था वो अपने अलॉय रिम वाले मॉडल में साथ, वो एक लिक्विड डाल के देते हैं टायर्स में, इसमें वो लिक्विड वगैरह है? जी लिक्विड तो क्राउन के जितने भी बाइक्स आ रहे हैं उनमें डाला हुआ उन्होंने, बेसिकली वो टायर को हार्ड कर देता है। पहले भी वीडियोज में हमने बताया कि वो पंचर होता है तो टायर को स्टक कर देता है, बिल्कुल ये नहीं होता कि पंचर प्रूफ बना देता है, वो कंपनी खुद क्लेम नहीं करती। वो जस्ट ये होता है कि सिंगल पर्सन को हवा बहुत यानी कि स्लोली स्लोली इसमें जो है वो डिस्चार्ज कर रहा होता है, तो यानी कि पंचर वाली जगह तक पहुंचा सकता है, 5-6 किलोमीटर का आपको बैकअप दे सकता है ये। मैंने तो सुना था 2 साल तक आपका टायर पंचर नहीं होगा। नहीं, पंचर होता है, देखें वो वैसे हम गलत बयान नहीं करें तो गलत बात है, पंचर होता है। जो क्लाइंट ने फिजिकली चला के हमें जो भी चीज़ बताई है वही सबसे बेहतरीन होती है और वही मैंने आपको आगे बताई है, रेफर ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स दोनों बाइक यहाँ पर खड़े करने का मकसद यही कि दोनों में एक तो छोटा सा कंपेरिजन आपको कर दिखाते हैं, कंपेरिजन क्या डिफरेंस आपको सामने नजर आ रहा होगा, लेकिन उजैर भाई थोड़ा सा आप अगर डिटेल में हमें बताएं कि क्या इसमें कंपैरिजन है, फिर लास्ट में बात करेंगे प्राइसेस के बारे में। वीडियो आपने पूरी देखनी है, यही बाइक आपको इंस्टॉलमेंट प्लान पर भी मिलेंगे और यहां से हम 0% मार्कअप वाले प्लान भी आज लेकर जाएंगे। जी उजैर भी जी, सबसे पहले तो अगर हम इसकी तरफ आते हैं तो ये स्पोक्स में आता है क्राउन, जो सिंपल वेरिएंट आ रहा है, ठीक हो गया। इसमें फिर एक वो प्रो वेरिएंट भी है, प्रो इसलिए मैंने कहा है कि बाद में कंफ्यूजिंग ना हो, ये सिंपल है। इसमें 1,27,000 इसकी कैश कीमत है, ठीक। कोई लीज में हमसे लेने आता है तो उसको एडवांस 50% देना पड़ेगा, चलिए 50 से और मजीद हम कम कर देंगे, 50,000 तक एडवांस दे दे। उसके बाद उसकी जो किस्त मंथली किस्त बनेगी वो भी हम एक मतलब उसके लिए आसानी होगी देने के लिए, तो वो काफी रीजनेबल बनाएंगे, 6,000 तक समथिंग किस्त हो जाएगी, 6,200-6,300 के दरमियान, ठीक। तो बाकी कोई भी बंदा हमारे पास पीके बाइक्स के रेफरेंस आता है उसको मजीद हम डिस्काउंट भी देंगे, कैश पे भी देंगे, लीज पे भी देंगे, ठीक। और इसमें अगर आप अलायरम वाले वेरिएंट पे जाते हैं तो इसका जो एडवांस है 65,000 है, कैश कीमत इसकी 1,38,500 रुपए है, 11,500 का डिफरेंस है। पीके बाइक्स की तरफ से भी आएगा उसको हम इस पे भी डिस्काउंट देंगे। अलायरम्स के बेसिकली ये जो मॉडल होते हैं सलर स्टार्ट, ये ज़्यादातर बुजुर्ग अफराद लेते हैं या उसके बाद टांग का जिसको इशू होता है वो भी लेता है, लेडीज़ लेती हैं क्योंकि किक उनको रेफर नहीं होती, ज़्यादातर बेहतर नहीं होती, वो कहते हैं कि किक जिसकी ना हो, ना होने से मुराद ये है कि इसमें आपके पास डबल ऑप्शन है, सलब भी है किक भी है, आप दोनों ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा तो बाकी के ऑप्शन इन्होंने मैंने जिस तरह कि मैंने देखा कि इसमें इन्होंने जो सस्पेंशन है काफ़ी हैवी स्प्रिंग दिया हुआ है इन्होंने, जी इसमें काफ़ी हैवी स्प्रिंग दिया हुआ है। उसके बाद इसकी टैंकी के ऊपर भी अगर आप आएँ तो उसकी टैंकी के ऊपर पाउडर कोटेड कलर की 2 लेयर हुई हुई है, सिंपल बट्टी वाला पेंट नहीं हुआ उसमें, पाउडर कोटेड पेंट है जो होंडा सीडी 70 अपने बाइक्स के अंदर करता है। कितना हेड सिलेंडर है इसका? इसका 78 हेड सिलेंडर है, 78 है दोनों का, उसके लिहाज से पेट्रोल एवरेज भी आपको बेहतर देगा और उसके बाद पिक भी इसकी बेहतरीन होगी, ठीक हो गया। अच्छा दोनों में ये भी सेल्फ स्टार्ट है और ये भी सेल्फ स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको मिलती है वो इसके अलॉय रिम्स की मिलती है, तो प्राइस में कितना डिफरेंस है? 11,500 रुपये का डिफरेंस आ रहा है और इसमें आप ट्यूबलेस टायर भी लगवा सकते हैं जो कि क्राउन कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी हैं और यहाँ से भी हम आपको मंगवा के दे सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसमें सिंपल भी आता है जिसमें ना सेल्फ स्टार्ट होता है और स्पोक्स रिम्स के साथ होता है, सिंपल मॉडल जो आता है इसका रेगुलर मॉडल, उसकी क्या प्राइस है? वो 1,06,500 रुपये का है, बाकी पीके बाइक्स की तरफ से कोई आएगा उसको हम डिस्काउंट भी देंगे, सही। और जितने भी ये बाइक्स हैं उनकी वारंटी पीरियड के अगर आप आते हैं तो वारंटी पीरियड में 6 माह या 6,000 किलोमीटर इसकी वारंटी है, सही। और ये वारंटी क्लेम सेंटर हमारे पास ही है क्राउन का, ठीक हो गया। उजैर भाई के पास वीडियो बनाने का एक हमें फ़ायदा होता है कि उजैर भी मशवरा बड़ा अच्छा देते हैं। अब उजैर भी आप मशवरा क्या देंगे, अलॉय रिम वाला लेना चाहिए, सिंपल लेना चाहिए या फिर सिर्फ सेल्फ स्टार्ट की तरफ जाना चाहिए? ये वो वाहिद डीलर हैं जो कस्टमर का फ़ायदा सोचते हैं और मशवरा आपको वो देंगे कि जो आपका फ़ायदा होगा इसमें, ना कि चीज़ सेल करने के लिए यहाँ पर आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ बेहतर है जी। बेसिकली मैंने आपको पहले का वीडियो के शुरू में बताया कि ये सिंपल मॉडल और ये प्रो मॉडल है, सही। प्रो से मुराद ये है कि आईफोन अगर आप उसकी तरफ जाते हैं कलर की वजह से थोड़ा सा महंगा हो जाता है कि उसकी प्राइस में 14-15 हज़ार रुपये को गैप कर देते हैं, तो मैंने आपको बताया सीसी सेम है,
कलर कॉम्बिनेशन सेम है, हर चीज सेम है, जस्ट लायर में जैसे कि फलान भाई ने बताया, कोई बंदा ये कहता कि यार थोड़ा सा लायर में खूबसूरती होती है, अगर वो प्योर खूबसूरती के लिहाज से इसको रखना चाहता है तो उसके लिहाज से लायर में बेस्ट है। सही। वैसे लायर का ये भी फायदा होता है कि आपको व्हील अलाइनमेंट नहीं करवानी पड़ती, स्पोकेट टाइट नहीं करवानी पड़ती, एक तो ये बेनिफिट है। वेट जितना मर्जी डालें, लोग कहते टूट जाएगा, एक सवाल होता है कि लायर टूट जाते हैं, टूटते नहीं है लायर, आज तक आपने भी नहीं देखा कोई लायर टूटता, क्रैक आ सकता है, टूटता कभी भी नहीं है। सही, क्योंकि ठोस मटेरियल के बने हुए। तो वैसे अगर मतलब खुदा ना खासा किसी का टूट जाता है या डैमेज हो जाता है तो क्या कॉस्ट होगी इसकी? इसकी कॉस्ट जो है कंपनी की तरफ से आती है वो 11,000 रुपये मालियत है, जिसकी वजह से 11,000 का गैप डिफरेंस भी आ रहा है। ठीक हो गया, तो ये था इन दोनों का डिफरेंस। और अगर थोड़ा सा करीब से भी आपको दिखाएं तो मैं थोड़ा सा लाइट्स वगैरह चेक करवा देता हूँ। जिस तरह एक नॉर्मल होंडा सिटी 70 की लाइट आती है वो चीज़ नहीं है, अलग इनकी शेप है लाइट की। इंडिकेटर देख लें, आपको फ्लेक्सिबल इंडिकेटर मिल जाते हैं, सिटी 70 वाले इसमें फ्लेक्सिबल है, ये सारे काफी हद तक फ्लेक्सिबल है। ये देख लें, ये इन्होंने ये देखें रबड़ दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। मेरे ख्याल से 70 का इतना नीचे नहीं, उसका भी इतना नहीं है, ये ज्यादा इसकी मजबूती और पायदारी उन्होंने। बाकी हम वो एक रिमांड भी इसका ले लेते हैं, ऊपर बैठ के चेक करते हैं कि कितना सस्पेंशन में कितनी जान है। लोहा खड़के आवाज आई है। तो ये इसके फ्रंट सस्पेंशन देख लें, जरा करीब करके हमारे नाजरीन को दिखाएं। और रेयर के भी जरा आपको दिखा देते हैं। अच्छा, रेयर के ना एडजस्टेबल है इसमें, आप इनके कुछ पॉइंट्स इन्होंने दिए हुए हैं, 4 पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, तो हार्ड एंड सॉफ्ट भी कर सकते हैं। बाकी कुछ 70s में ये होता है कि उन्होंने पंप वाले सस्पेंशन दिए होते हैं, वो आप छेड़ नहीं सकते उसको, वो फिक्स होते हैं वो, तो काफ़ी अच्छे हैं, सॉफ्ट है। बाकी ट्राई व्हील के साथ भी अगर कोई एडजस्टमेंट करवाता है तो सबसे बेहतरीन बाइक हम जो रेफर करते हैं ट्राई व्हील के साथ वो है क्राउन सीरीज 70, क्योंकि एक तो इसके पार्ट्स आसानी मिल जाते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं। अगर आप गूगल पे भी सर्च करें पार्ट्स के लिहाज से, सबसे जो आसानी से पार्ट्स फ्राहम होते हैं वो क्राउन कंपनी करती है। सीडी 70 में भी जो है 62% तक आफ्टर ओवरऑल मार्केट है जो पाकिस्तान को क्राउन की अलिफान की पार्ट्स इसमें डालती है। बिल्कुल, और प्राइस का भी काफ़ी डिफरेंस होता है फ्रेंड्स। फर्ज करें जैसा कि होंडा की स्टैंप लगी होती है किसी पार्ट पे, तो वो आपको मतलब 1,000 रुपये का पार्ट मिला, और उसी निस्बत आप अगर क्राउन का कोई क्राउन फिट का कोई पार्ट लेते हैं तो 50% का आपको उस पर डिफरेंस मिल जाता है प्राइस रेंज का, टैग की वो पेमेंट ले रहे होते हैं। बिल्कुल, ये टैग के लिहाज से होता है। तो बस ये था हमारा एक रिव्यू। अब इंस्टॉलमेंट की तो बात कर ली, अब थोड़ा सा कैश वालों के लिए भी बात करते हैं। क्योंकि कैश पे लेना चाहता तो उसके लिए क्या डिस्काउंट कर रहे हैं आप? उसके लिए डिस्काउंट वो आएगा, पीके बाइक्स का नाम लेगा तो इंशाल्लाह उसको हम स्पेशल डिस्काउंट देंगे। ठीक, एज अ ट्रेडर वारिस खान मरी रोड पर शोरूम है, कोई भी आके ले सकता है। और क्राउन की डीलरशिप भी पूरे पिंडी में हमारे पास ही है, सीडी 70 की, 125 की, इसमें 125 भी है, 70 भी है, एक 150 इसमें आता था क्राउन 150, उसका रिव्यू भी अरसलान भाई ने और मैंने मिलकर किया था 2019 में। बिल्कुल, वो काफी अच्छा रिस्पांस मिला, काफी अच्छा रिस्पांस था। उस वक्त उसकी प्राइस बहुत रीजनेबल थी, 150 के लिहाज से 1.5 लाख रुपए की उसकी कैश कीमत आती थी, जो कि सीसी के लिहाज से सबसे बेहतरीन उसमें कैटेगरी में वो आता था। और जिन जिन क्लाइंट्स को मैंने वो बाइक दिया था माशाल्लाह से उनका यानी कि पॉजिटिव रिव्यू आया, जिसने भी वो बाइक चलाया तो हमारे पास आया, लेकिन क्राउन कंपनी ने अभी वो डिसकंटिन्यू कर दिया है। फ्यूचर में हो सकता है कि वो क्राउन कंपनी उसको दोबारा शुरू करे इंशाल्लाह, तो हमारी भी उम्मीद है कि शुरू करे, बहुत अच्छा बाइक था। तो ये जो कैटेगरी है ये अब रक्षे भी बना रही है, लोडर भी बना रही है माशाल्लाह से, यानी कि बड़ी कंपनी कोई छोटी कंपनी नहीं है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको कहा था कि इंस्टॉलमेंट प्लान भी इन्होंने बता दिया है जिसपे कुछ थोड़ा बहुत मार्कअप भी लगता है, उसके अलावा इन्होंने कैश वाला भी बता दिया कि आपको डिस्काउंट भी मिलेगा पीके बैग से बताना है। अब तीसरा मैंने ये बोला था कि 0% मार्कअप आपसे यहाँ पर हम लेकर जाएंगे, 0% मार्केट पर कोई अच्छा सा प्लान दें इस बाइक के ऊपर। इस बाइक के ऊपर अच्छा सा प्लान ये है कि 2,500 हमारी फाइल प्रोसेसिंग फीस होती है। अगर कोई पीके बाइक्स के रेफरेंस हमारे पास आएगा, ये ऑफर सिर्फ पीके बाइक्स का, प्राइवेट तौर पे भी आके पता कर सकते हैं। ये नहीं कहते कि हम कोई सारों को एक ही कह रहे हैं, हम जो सब्सक्राइबर होते हैं उनको स्पेशल डिस्काउंट देते हैं। चैनल सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको ऐसी ऑफरें मिलती हैं पीके बाइक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो उस लिहाज से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2,500 रुपये आपको ये महंगा पड़ेगा, जस्ट फाइल प्रोसेसिंग फीस होती है वो आपको देनी पड़ेगी। उसके अलावा 2 गारंटर पिंडी इस्लामाबाद के लोकल, जिनकी दुकान अपनी हो या घर अपना हो, उनको देना पड़ेगा। उसके अलावा एक चेक बैलेंस अमाउंट, नहीं घर नहीं देना पड़ेगा, घर के डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद बैलेंस अमाउंट का एक चेक उनको देना पड़ेगा, और क्या कहते हैं यहाँ पर आ जाए हमारा बंदा जाके वेरिफिकेशन करेगा, इंशाल्लाह बाइक उसको फर्स्ट डे के अंदर ही मिल जाएगा। जिस दिन वो लेगा उसी दिन उसको हम डिलीवर कर देंगे, जिस दिन फाइल। मतलब ये सारा कुछ प्रोसेस होने में कितना टाइम लगेगा? ये सारा कुछ प्रोसेस होने में देखिए इसमें सिंपल सी चीजें हैं, 2 गारंटर उसको बाहर से देने पड़ेंगे, बाकी तो उसके अपनी बात है, जहाँ रिहाइश रखिए घर का बिजली का बिल तो वो देता होगा, और चेक उसका बना होगा ऑटोमेटिकली। अगर उसका अपना नहीं बना तो गारंटर में से वो किसी को भी दे सकता है चेक जो है वो ला के। हम यानी कि इसकी एक्चुअल प्राइस जो उस वक्त चल रही होगी, हाँ जी, जो आज आपने बताई है वो आज की प्राइस है, क्या पता प्राइस डाउन भी हो जाए या अप भी हो जाए। डाउन होने का कोई डाउन तो इस मुल्क में कुछ चीज भी नहीं होती प्राइस के लिहाज से, तो अप भी होने के चांसेस होते हैं, तो आज के लिहाज से। और बाकी है कि कोई भी कस्टमर हमारे पास आएगा तो इंशाल्लाह हम उसको सिर्फ 2,500 रुपए फाइल प्रोसेसिंग फीस है वो उसको इजाफी देनी पड़ेगी,
चार महीनों में अगर वो क्लियर करता है तो उसको इसी अमाउंट के अंदर हम दे देंगे। ठीक, तो मेरे ख्याल से कोई रफली कोई कितनी इंस्टॉलमेंट बनती होगी चार महीने में? चार माह में उसकी 20-22 हज़ार रुपये बन जाएगी। ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स वीडियो का मैं यहाँ पर एंड करने लगा हूँ, उससे पहले आप पहले तो अपना एड्रेस बता दें और अपना वो वाला नंबर बताएं जो एक्टिव हो और जो मतलब आप डायरेक्टली डील कर सकें आपसे। देखिए वो पीटी सेल भी हमने लिखा होता है नीचे, उसमें भी डाला होता है। उसके बाद वैसे आप खुद बोल के भी बता दें कोई नंबर, वैसे जो आप देखते हैं यहाँ पर जो लड़कों के पास हमने रखा होता है नंबर, वो है 03105078835। ये नंबर हमारा जो होता है वो लड़के यूज़ कर रहे होते हैं। असल में कुछ ऐसे होते हैं कि रात को 2 बजे 1:30 बजे 3 बजे भी कॉल करते हैं, तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा टाइम लिया करें, वर्किंग टाइम पे कर लिया करें। लड़के जो होते हैं हमारे काफ़ी शिकायत भी करते हैं कि यार उधर भी उल्टे छुलटे सवाल भी पूछ रहे होते हैं कि इसके अंदर हम ये कर लें, इसके अंदर हम ये अल्ट्रेशन कर दें। आप उनसे जो होती है वो सीधी बात पूछा करें कि यार इसका क्या पैकेज है, देखिए जो वीडियो में भी बताया उस लिहाज से कुछ पूछ लें आप, इंशाल्लाह आपको बेहतर वो गाइड कर देंगे। आप थोड़ा सा वर्किंग टाइम बता देंगे कितने से? वर्किंग टाइम ये है कि 10:30 बजे से लेके रात 8 बजे तक टाइमिंग होती है। उस दौरान किसी टाइम भी कॉल कर सकते हैं। पीटी सेल भी आपको हम देंगे और दूसरा सेल नंबर भी, पीटी सेल जो है वो 051-88, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इस्लाम भी आपको दे देंगे, वो ज़्यादा बेहतर है, इस तरह उनको समझ भी नहीं आएगी, तो वो डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे। एड्रेस उनके पास मौजूद है, फिजिकली आके आप देख लें सबसे बेहतरीन है, उस तरह आपको हम समझाने में भी हमारे लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि सारी चीज़ें जो होंगी वो आसान वन डे में के अंदर सारी चीज़ें होंगी। ठीक हो गया, तो बस इसी के साथ वीडियो का मैं एंड करता हूँ। लास्ट में आपका हौसला इस्लाम अहमद आपसे इजाज़त चाहेगा इस वक्त साथ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, उज़ैर भाई को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।